हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दुनिया के हर घर में छोटे छोटे कारणों की वजह से ही क्यों ना हो, बाप बेटों में मनमुटाव या कभी कभी ऊंची आवाज में झगड़ा होते ही रहते हैं। ये कहानी भी बाप बेटे की ऐसे ही रिश्ते पर आधारित है। आकाश अपने पिता के हमेशा टोकते रहने वाले स्वभाव की वजह से उनसे काफी परेशान था। रूम का पंखा चालू करके कहाँ गए थे, सुबह हो गई फिर भी लाइट क्यों चालू रखा है, जब देख नहीं रहे हो तब टीवी क्यों चालू रखते हो, बाइक ठीक से पार्क क्यों नहीं करते, कभी तो अपने जूते पॉलिश कर लिया करो, सुबह जल्दी उठा करो, कितना आलसी हो गए हो कि कभी जॉगिंग ही नहीं करते। दिन भर आकाश को पता नहीं पापा से क्या क्या सुनना पड़ता है। अभी बच्चा थोड़ी हूँ मैं, इतना बड़ा हो गया हूँ, 2 दिन बाद मेरा नौकरी के लिए इंटरव्यू होना है और पापा के बर्ताव किसी छोटे बच्चे की जैसा है मेरे साथ। एक बार मुझे नौकरी लगने दो, छोड़कर चला जाऊंगा पापा को, शहर में ही रहूंगा, फिर पता चलेगा उन्हें, अभी कमाता नहीं हूं ना इसीलिए फालतू की चीजें सुनाते रहते हैं। पापा से नाराज आकाश के दिमाग में कुछ ऐसे ही विचार चल रहे थे। 2 दिन बीत गए और आज वही दिन था जिसका आकाश को बेसब्री से इंतजार था। सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान का आशीर्वाद लेकर आकाश उस जगह पहुंच गया जहां इंटरव्यू होना था। जिस बिल्डिंग में इंटरव्यू था उसके गेट पे कोई गेटकीपर नहीं था। आकाश ने देखा गेट एक साइड से टूटा हुआ है, लेकिन कुछ स्क्रू फिट करने से वह सही हो सकता है। आकाश ने रुककर स्क्रूज को टाइट कर दिए और गेट को सही करने के बाद वह गेट में घुस गया। बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर एक ऑफिस था जहां पर इंटरव्यू की व्यवस्था की गई थी। जैसे आकाश उस फ्लोर पर पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस के बाहर लोगों ने इधर उधर जूते और चप्पल निकाल रखे थे, जबकि वहां पर जूते चप्पल रखने के लिए स्टैंड रखा हुआ था। यह देखकर आकाश को अचानक अपने पापा की याद आ गई, जो अक्सर उसे भी अपने जूते चप्पल रखने को लेकर हमेशा टोंकते रहते थे। आकाश से रहा नहीं गया और उसने बेमन से ही सही लेकिन उन सभी जूते और चप्पलों को स्टैंड पर अच्छे से रख दिया। अंदर प्रवेश करने से पहले आकाश की नजर ऑफिस के बाहर जल रही कई सारी लाइटों पर गई जिनकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। सूरज की रोशनी इतनी थी कि लाइट्स बंद रहे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उसने बाहर जल रही सारी लाइटों को बंद किया, फिर ऑफिस के अंदर प्रवेश कर गया। आकाश ने देखा कि ऑफिस में 20-25 कुर्सियां रखी हैं, लेकिन आगे की 10 कुर्सियों को छोड़कर बाकी की कुर्सियां खाली हैं और उन कुर्सियों के ऊपर लगी 2 पंखे बेवजह ही चालू हैं। उसने फिर अपनी आदत के अनुसार दोनों पंखे को बंद किए और बाकी फालतू पड़ी कुर्सियों को एक के अंदर एक लगाकर साइड पर रख दिया और वहीं पर बैठकर अपना नंबर आने तक इंतजार करने लगा। एक के बाद एक सभी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होने के बाद जब आकाश का नंबर आया तो वह थोड़ा सा नर्वस लेकिन नीडर होकर इंटरव्यू लेने वाले के पास पहुंचा। इंटरव्यू लेने वाले ने उसे अपने पास रखी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और थोड़ी देर तक दोनों में कुछ भी बातचीत नहीं हुई। फिर इंटरव्यूअर ने आकाश से पूछा, तुम कल से नौकरी ज्वाइन कर सकते हो क्या? आकाश को कुछ समझ में नहीं आ रही थी, ये उसके नौकरी पक्के होने की कंफर्मेशन है या फिर कोई ट्रिकी सवाल। बाद में इंटरव्यू लेने वाले जब सैलरी और काम करना कैसे है ये बताया तब आकाश को यकीन हुआ कि उसकी जॉब पक्की हो गई। आकाश बहुत खुश था लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि ना कोई सवाल ना कोई एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, फिर कैसे उसे जॉब के लिए फाइनल कर लिया गया। उसके चेहरे के सवालिया एक्सप्रेशन देखे इंटरव्यू लेने वाले खुद ही कहा, कुछ सवाल और पेपर्स कभी आदमी की काबिलियत नहीं बता पाते। हमने इस बिल्डिंग में प्रवेश करने से लेकर प्रतीक्षा कक्ष तक कुछ अव्यवस्थाएं सेट करके रखी थी, वही आपके लिए टेस्ट था। हमने सीसीटीवी पर देखा कि आने वाले सभी कैंडिडेट्स में आप ही एक अकेले ऐसे थे जिन्होंने गेट के स्क्रू ठीक करने से लेकर बेवजह चल रहे बल्ब और पंखे बंद किए। ऐसा कर आपने अपनी चीजों का यूटिलाइज करना और बचत तथा रिजेक्शन कम करना जैसे गुण दिखाया। आगे बढ़कर आपने बूट और चप्पल और कुर्सियां ठीक करके दिखा दिया कि आप अपने काम के लिए कितने वफादार हो सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। बस हमें इतने ही गुण काफी थे आपको नौकरी पर रखने के लिए। पूरी बात समझ में आने पर आकाश को फिर से अपने पापा याद आए और याद आई उनकी कही बात, लेकिन इस बार उसके मन में कड़वाहट नहीं थी क्योंकि उसे आज समझ में आया था कि पापा ने उसके लिए उसी मूर्तिकार का किरदार निभाया था जो अपनी मूर्ति को
सुंदर और कीमती बनाने के लिए उस पर कितनी बार छिन्नी और हथौड़ी चलाता है। आकाश जो नौकरी मिलते ही अपने बाप से दूर भागने की सोच रहा था, वो नौकरी की कन्फर्मेशन लेटर और साथ में मिली एक महीने की एडवांस सैलरी को घर पहुंचते ही अपने बाप के कदमों में रख देता है। उनसे माफी मांगते हुए कहता है, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। अपने बेटे के लिए आंखों में खुशी और गर्व के आंसुओं के साथ पापा आकाश को गले से लगा लेते हैं और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, जब भी आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहे तो उसके पीछे का कारण जरूर जानने की कोशिश करना। कभी डांटे या टोके तो उसके पीछे का सद्भाव को समझने की कोशिश करना। एक बार आप अपने लिए गलत सोच सकते हो, मगर आपके पेरेंट्स कभी नहीं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए।